सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 26वां अध्याय, एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता उसका 26वां अध्याय, खरी मनुष्य की प्रार्थना। इसकी पहली आयत में लिखा है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। मेरा न्याय क्यों कर? क्योंकि पहली बात, मैं खराई पर चलता रहा हूँ। दूसरी बात, मेरा भरोसा तुझ पर है, अर्थात आपका न्याय करने के लिए परमेश्वर बिल्कुल तैयार हो सकता है। यदि जैसा कि दाऊद हमें बताते हैं, आपका भरोसा है वो यहोवा पर हो और आप खराई से चलने वाले हो, इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो दो बातों को मानना बहुत जरूरी है, खराई से चलना और परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रखना। दूसरी आयत कहती है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा आप मेरे मुझको जांच लो, परख लो और मेरे मन और हृदय को परख लो, क्योंकि मैं तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। क्योंकि जो तेरी करुणा है, तेरा जो अच्छापन है, वो तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। और परमेश्वर आपने जो मुझे मार्ग दिखाया है, जो सच्चाई का मार्ग दिखाया है, मैं निरंतर उसके ऊपर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। और बताते हैं यहोवा परमेश्वर को दाऊद की, मैं उन लोगों के साथ में नहीं बैठा, उन लोगों के साथ में मेरी संगति नहीं है, उठना बैठना नहीं है, जो कि निकम्मी चाल चलते हैं, अर्थात दूसरे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ाने में लगे रहते हैं, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। और इसके अलावा जो कपट करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की पद दीक्षिणा करूंगा। तो यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि मैं जो दुष्ट और पापी और ऐरे गेरे काम करने वालों के लोग और उनकी संगति से दूर रहूंगा, और तेरे जो आज्ञाओं को मानते हुए मैं है वो अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, अर्थात बिल्कुल जो लोग निर्दोष होते हैं उनके जैसा बनकर, बिल्कुल निर्दोष बनकर, और तेरी जो वेदी है उसके सामने तेरा दीपक जलाऊंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। तो यहोवा का धन्यवाद है वो ऊंचे स्वर से वही लोग कर सकते हैं जो यहोवा के अति करीब होते हैं, उसे हृदय से, उसे दिल से, उसे मन से प्यार करते हैं, और वही लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखते हैं और फिर बाद में गवाही देते हैं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार किए हैं। आठवीं लाइन हमें बताती है, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, अर्थात जहां से तू निवास करता है वहां से, और तेरी महिमा का निवास और जहां तेरी महिमा रहती है उस स्थान से प्यार रखता हूँ। जहां तू रहता है उस जगह से प्यार करता हूँ, और जहां तेरी महिमा रहती है उस जगह से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्राणों को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिलाना। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिने हाथ घूस से भरा रहता है। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, जो दुष्ट और पापी किस्म के व्यक्ति हैं, जो कि अल्प आयु में ही मर जाते हैं, तू मुझे भी इसी प्रकार से मौत मत देना, क्योंकि ऐसे लोग हैं वो तो हमेशा 24 घंटे लोगों को मारने में, उन्हें लूटने में और रिश्वतखोरी में, अर्थात जितने गलत काम होते हैं उन्हीं को करने में लगे रहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ, इसीलिए मेरा प्राण उनके समान है, वो नहीं खत्म करना और उनके साथ ही मेरी मृत्यु होने से बचाना। 11वीं आयत कहती है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। यहाँ से परमेश्वर से वादा करते हैं दाऊद की, मैं तो खराई से ही चलता रहूंगा।
तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। और दाऊद कहते हैं कि जो ये चारों ओर मेरे सेना खड़ी है, मेरे दुश्मन मेरे चारों ओर हैं, इनसे ओ चारों ओर मुझे छुड़ा और मुझ पर अपना अनुग्रह कर। मेरे पांव चोर स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।